अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में इस्तकबाल है। आज हम CTET 2024 के मज़मून उर्दू का चैप्टर 7 देखेंगे, ज़बान की तदरीस के मसाइल यानी चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत मल्टी, जब किसी माशरे में दो ज़बानें बोली जाती हैं तो उसे ज़ू लिसानियत, और जब दो से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है तो उसे समाज की इस खासियत को कसीर लिसानियत कहते हैं। कसीर लिसानियत हिंदुस्तानी समाज की एक मुनफरद खसूसियत है। हिंदुस्तानी आइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी 8वें शेड्यूल में 22 ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत से तस्लीम किया हुआ है। कसीर लिसानी क्लास रूम तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज यानी वोकेबलरी में इजाफा करते हैं। बच्चे अपनी मादरी ज़बान में फितरी तौर से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, जिससे उनकी ज़बानी सलाहियतों भी में निखार आता है। कसीर लिसानी माहौल बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों की नशोनुमा में मदद करता है। क्लासरूम में मुख्तलिफ ज़बानों का इस्तेमाल भी सकाफ़ती तबादले का एक ज़रिया है। मुख्तलिफ ज़बानों के इस्तेमाल से तमाम तलबा को एक दूसरे की ज़बान समझने का मौका मिलता है, और वो अपनी मादरी ज़बान का एहतराम करने के साथ साथ दूसरों की ज़बानों और सकाफ़तों का भी एहतराम करना सीखते हैं। कसीर लिसानियात काबिलियत, इल्मी तरक्की, समाजी रवादारी, वसी सोच और फिक्री कामयाबी की सतह को बढ़ाती है। इसलिए ज़बानों को स्कूलों में बतौर वसीला इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्तलिफ लिसानी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने की वजह से बच्चों के अल्फाज और उनके तलफ़ुज़ में फ़र्क पाया जाता है। लिहाजा लिसानी पस मंज़र की बुनियाद पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की ज़बान के तनु को बतौर वसीला इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बात का भी सबूत है कि दो लिसानी बच्चों में दूसरे बच्चों के मुकाबले बेहतर इल्मी सलाहियतें होती है। कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली का मतलब है तदरीसी आमोजिशी अमल में आमोजगारों की ज़बानों का इस्तेमाल। ये तमाम तलबा के लिसानी पस मंज़र से कत्ते नज़र और इनकी शमूलियत को यकीनी बनाता है। कसीर लिसानियत के माहौल में तलबा को न सिर्फ अपनी बुनियादी ज़बान पर उबूर हासिल करने का मौका मिलता है, बल्कि एक ही वक्त में मुतअद्दिद ज़बानों को मौसर तरीके से सीखने का मौका भी मिलता है। कसीर लिसानी तलबा एक महर्रिक माहौल में तमाम ज़बानों के उसूल बनाते हैं, जो उन्हें मुशाहिदा, कटौती और इस्तेदलाल जैसी अपनी महारतों को तेज़ करने में मदद करता है। इस तरह वो ज़्यादा लिसानी और इल्मी लचक पैदा करते हैं। ये लिसानी तनु तालीमी अमल में जहाँ एक चैलेंज के मानिंद है, वही दूसरी जानिब यह लिसानी आमोजिश में कई तरह के मौके भी फराहम करता है। हमें कसीर लिसानियात को एक असासा यानी रिसोर्सेस के तौर पर देखना चाहिए और उसे एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ज़रिया तालीम मादरी ज़बान होना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो कम से कम प्राइमरी तालीम मादरी ज़बान की तौसीस से दी जाए। हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 350A के मुताबिक हर रियासत के तहत तमाम मकामी हुकूमतें बदलिया लिसानी अकलियतों को के बच्चों को इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में मुहैया कराने की बात कही गई है। गलतियां आमोजिश का हिस्सा होती हैं। मुनासिब वक्त आने पर बच्चे इनकी इसलाह खुद कर लेते हैं। तदरीसे ज़बान महज ज़बान के वक्फे तक महदूद नहीं होती। दूसरे मजामीन साइंस, समाजी उलूम और रियाजी के वक्फे भी एक तरह से ज़बान के ही वक्फे है। इसमें भी ज़बान का इस्तेमाल होता है। स्कूलों में ज़बान के तहत होने वाली कहानियाँ, नज़में और गीत से बच्चे अपनी सकाफती विरासत से जुड़ते हैं।
कौमी दर्सियात का खाका 2005 NCF के मुताबिक कसीर लिसानियत जो के बच्चों की शनाख्त की तश्कील करती है और हिंदुस्तानी मंजरनामे की एक मखसूस खूबी है। इस खूबी का इस्तेमाल एक वसीले के तौर पर तदरीसी मंसूबे और एक मकसद की शक्ल में करना ज़बान के तख्लीकी उस्ताद की ज़िम्मेदारी है। ज़बान की क्लास कसीर लिसानी हो, इसका मतलब महज ये नहीं कि हम स्कूली सतह पर कई ज़बानों की तालीम के मौके फराहम करें, बल्कि इसके मायने ऐसी हिकमत अमली तैयार करने के है जिसके तहत कसीर लिसानी जमात को एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। सह लिसानी फार्मूला त्रिभाषाई सूत्र। सबसे पहले सन 1961 में मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला के इजलास में आम राय से सह लिसानी फार्मूला उभर कर सामने आया। कोठारी कमीशन सन 1964 ने 10वीं जमात तक सह लिसानी फार्मूला की सिफारिश की। सन 1968 में तालीमी पॉलिसी के मुताबिक सह लिसानी फार्मूले के साख्त मंदरजा ज़ेल होंगी। पहला ज़बान, पहली ज़बान मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान, दूसरी ज़बान हिंदी बोलने वाले रियासतों में दूसरी ज़बान कोई दूसरी जदीद ज़बान या अंग्रेज़ी हो, गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी या हिंदी हो, तीसरी ज़बान हिंदी रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होंगी या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान जो दूसरी ज़बान के तौर पर ना पढ़ी जा रही हो, या गैर हिंदी रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होंगी या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान जो दूसरी ज़बान के तौर पर ना पढ़ी हो। ज़बान के नकायस डिसलिका, इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने से है। इसकी वजह से बच्चे के पढ़ने लिखने हिज्जे और बोलने में दुश्वारी होती है, वो हरूफ और अलकाब की सही नकल नहीं कर पाता। जैसे सौ को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। डिसकिलिका इस दुश्वारी के रियाजी मैथमेटिक्स से है और हिसाब किताब से है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में रियाजी के सवालात वक्त के तसव्वुरात को का ना समझ पाना और ज़र का इस्तेमाल से मुतालिक मुश्किलात पैदा हो जाती है। डिसग्राफिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने तहरीर से होता है। इसकी वजह से हुर्फ, अल्फाज और जुमलों को लिखने में हिज्जे और ख्यालात को मुंजिम करने में मुश्किल होती है। डिसग्राफिया से दो चार तलबा की लतीफ़ हरकी महारतें मुतासिर होती हैं। डिसलाफिया अल्फासिया, इसका मतलब लिसानी महारतों बोलना बिलखसूस तफहीम से होता है। बच्चे सुनी हुई या पढ़ी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता, रवानी से बोल नहीं पाता, तलबा अल्फाज के मायने नहीं समझ पाता, काम करने की हिदायत और इन पर अमल करने में नाकाम होता है। डिप्रेशिया अप्रेशिया, इसका ताल्लुक हरकी महारतों यानी मोटर स्किल्स से होता है। इसकी वजह से उंगलियों, हाथ और आँख के दरमियान रब्त कायम नहीं कर पाता। इसे बटन लगाने, पेंसिल पकड़ने, हाथ की महारत और तवाज़न में मुश्किल होती है। ज़बान की मुश्किलात और गलतियाँ, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज एंड इरर्स। ज़बान के ताल्लुक से तलबा अमूमन दर्ज़ेल गलतियाँ करते हैं। हिज्जे की गलती, दूसरा है घर काम ना करना, ज़बान में दिलचस्पी ना होना, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ, इंशा की गलतियाँ, गंदी तहरीर, इज़हार ख़याल की मुश्किलात, पढ़ने में दुश्वारियाँ। शमूलियाती तालीम, शिक्षा समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन। शमूलियाती तालीम एक ऐसा तस्वूर तालीम है जो हुकूक़ इंसानी इक्तदार और लिसानी और अखलाकियात और उसूल मसावात पर कायम है। यह तस्वूर तालीम तलबा को चाहिए वो नॉर्मल हो, माजूर हो, इनकी समाजी माशी सतह, मज़हब, ज़ात, जिन्स, ज़बान, सकाफ़त और नस्ल कोई भी हो,
तमाम तलबा को बिला तफरीक एक साथ एक ही स्कूल में तालीम मिलनी चाहिए। ये तसव्वुर बच्चों के बजाय तालीमी निज़ाम से ये तवक्का करता है कि वो अपने आप को बच्चों की ज़रूरत और इनफरादियत के मुताबिक तब्दील करें। NCF 2005 के मुताबिक खुसूसी ज़रूरत वाले यानी स्पेशल चिल्ड्रन को दीगर बच्चों की तरह जमात में बराबर का हक हासिल हो है। तलबा के दरमियान फ़र्क नहीं होना चाहिए। तमाम तलबा को आमोजिश में मदद के वसीले के तौर पर देखा जाना चाहिए। तालीम में शमूलियत समाज में शमूलियत का एक अहम अंसर है। तकसीरी ज़हानत का नज़रिया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तकसीरी ज़हानत का नज़रिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गार्डिनर ने 1983 में पहली मर्तबा पेश किया था, जिसमें ज़हानत की 7 किस्में पेश की गई। इसके बाद उन्होंने अपना तरमीम शुदा नज़रिया सन 2000 में पेश किया, जिसमें उन्होंने ज़हानत की किस्में बढ़ाकर 8 कर दी। इनके मुताबिक 8 ज़हानत की 8 किस्में तमाम लोगों में बराबर मकदार में नहीं होती, बल्कि इसमें इनफरादी फ़र्क पाया जाता है। ज़हानत की ये 8 किस्में मंदरजा ज़ेल हैं। पहला है लिसानी ज़हानत, दूसरा है ज़बान की अफजाइश इस्तेमाल की महारत लिसानी ज़हानत कहलाती है। ये ज़हानत शायर, मुसन्निफ, मुकर्रर और सहाफ़ी वगैरह में पाई जाती है। दूसरा है मुंतकी या रियाजत ज़हानत यानी गणितीय वृद्धि। ये ज़हानत साइंटिफिक सोच और मसला हल करने की महारत है। शतरंज के खिलाड़ी, साइंसदान, कंप्यूटर प्रोग्रामर, माहिरान शुमारियात में ये ज़हानत ज़्यादा होती है। तीसरा है मकानी ज़हानत। इस ज़हानत का ताल्लुक मकानी तफहीम और नज़र तस्वीर से है। मुसव्विर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर वगैरह में ये ज़हानत ज़्यादा पाई जाती है। मौसीकी ज़हानत। इस ज़हानत का ताल्लुक मौसीकी लय और धुन के तई हिसासियत से है। मौसीकार, गुलोकार और शायरों में ये ज़हानत होती है। जिस्मानी इस्तेहसाबी ज़हानत। इसका ताल्लुक जिस्मानी हरकत तगैर पज़ीरी से है। यह ज़हानत तवाज़न, लचक और तालमेल पैदा करती है। खिलाड़ी, डांसर, अदाकार, मैकेनिक और सिपाही वगैरह में यह ज़हानत ज़्यादा होती है। बैनुल अफरादी ज़हानत। इसमें दूसरों के ज़बान वो हरकत और रवैये को समझने की सलाहियत होती है। माहिरी नफ्सियात, काउंसलर और सियासतदान में ये ज़हानत होती है। फितरी ज़हानत। इसका ताल्लुक कुदरती माहौल के तई हिसासियत से है। ऐसे लोग परिंदों, जानवरों और पेट्रों के तई दिलचस्पी रखते हैं, जैसे किसान, शिकारी, माहिरीन हैवानात, नबाता, सयाह वगैरह। वजूदियाती ज़हानत। इस ज़हानत का ताल्लुक उस सवाल से है जिसका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता, जैसे हम दुनिया में क्यों आए। इस ज़हानत वाले साइंसदान, फ़लसफ़ी और माहिर नफ्सियात होते हैं। इसके बाद में हम दूसरे इसमें ज़बान वीडियो के दूसरे हिस्से में दूसरे पार्ट में ज़बान और दस्तूर हिंद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह।